हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं इंडियन वेजिटेशन यानी भारतीय वनस्पतियों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग भारतीय वनस्पतियों के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में कई प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है। उसी में से एक प्रकार की वेजिटेशन है जिसका नाम है जो है पर्णपाती वन यानी डेसीडियोस फॉरेस्ट। डेसीडियोस फॉरेस्ट में एक जो प्रमुख रूप से देखा जाता है जो पेड़ पाए जाते हैं जिसका नाम है टीक ट्री, यानी टीक को बोलते हैं हिंदी में जो है सागौन के पेड़। ठीक है, तो आज हम आपको दिखाते हैं कि सागौन के पेड़ कैसे होते हैं, इनकी ऊंचाई कैसे होती है। तो जैसा कि सामने आप देख सकते हैं कि ये जो पेड़ लगे हुए हैं ये आपको जो दिखाई देते हैं, ठीक है, ये सारे जो पेड़ लगे हुए हैं ये इसी को बोलते हैं टीक पेड़। ये क्या है जो है सागौन के पेड़ हैं। इनकी हाइट आप देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत हाइट है इसकी, यहाँ तक कैमरा नहीं पहुँच पा रहा होगा। तो ये इनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है और ये थोड़ा सा जो है राउंड शेप में पाए जाते हैं। जो है ये इनकी अगर संख्या की बात किया जाए तो भारत में देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो है आपका, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है टीक के वन पाए जाते हैं, यानी जो है ये आपके सागौन के पेड़ पाए जाते हैं। इसका इकोनॉमिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्व है क्योंकि इससे बहुत ही मजबूत लकड़ी हमको मिलती है जिसका उपयोग अपने घरों में विभिन्न दरवाजे खिड़कियां बनाने में करते हैं, और बहुत सारे जगहों पर इसका प्रयोग जो रेलवे के स्लीपर्स होते हैं जो नीचे बिछाए जाते हैं पटरियों के, उसको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसको पर्णपाती वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि जो है ये ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पर साल भर वर्षा नहीं होती है। तो एक टाइम पीरियड के बाद वर्षा की जब कमी होती है यानी साल में जब वर्षा नहीं होती है तो ये पतझड़ के महीने में अपनी पत्तियाँ क्या करते हैं, गिरा देते हैं ताकि ये अपने अंदर जो है जो इनके अंदर वाटर होता है उसको एक्यूमुलेट करके संग्रहित करके रख सकें। ठीक है, इसीलिए अपनी पत्तियाँ क्या करते हैं, साल में एक बार गिरा देते हैं। आइए आपको दिखाते हैं जो ये वन विभिन्न प्रकार की जो आपको जो है सागौन के पेड़ दिखाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में एक जो है फॉरेस्ट है जहाँ पर जो है एक पंक्तियों में क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन में सागौन के पेड़ लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट शेप के हैं, लगभग लगभग इनका शेप जो होता है वो राउंड होता है। इनकी हाइट भी जो है अलग अलग की, अलग अलग प्रकार के काफ़ी हाइट के होते हैं। और इसका जो है इकोनॉमिक दृष्टिकोण के साथ साथ इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है और पर्यावरण के लिए काफ़ी जो है ये हेल्पफुल होते हैं, वहाँ के जो है इकोसिस्टम को बनाए रखने में काफ़ी क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा जो है डेसीडियोस यानी पर्णपाती वन के बारे में जानकारी।